पंडित चंद्रदेव पांडे महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण हुआ। महाविद्यालय हैसर बाजार में वृक्षारोपण किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य एस के पांडे अपने विद्यालय के प्राध्यापकों समेत अन्य स्टाफ के साथ वृक्षारोपण किए। इसके साथ साथ उन्होंने वृक्षारोपण करने की सलाह दी। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य ने बताया कि वृक्षारोपण बहुत ही ज़रूरी है। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं और वृक्ष से ही पर्यावरण शुद्ध होता है। उन्होंने बताया वृक्षारोपण करना सबसे पुरस्कार है। इस मौके पर डॉक्टर संजय पांडे, मृत्युंजय पांडे, डॉक्टर सुग्रीव डी आर यादव, सुभाष यादव, रमाज्ञा, पिंटू गुप्ता, विनोद समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सौरभ तिवारी, संत कबीर नगर। बताइए, ये पंडित चंद्रदेव पांडे महाविद्यालय के सौजन्य से ये वृक्षारोपण कार्यक्रम 5 जुलाई 2020 को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है, जिससे हमारे पर्यावरण में जो प्रदूषण और जो भी विसंगतियाँ हैं वो सब सुधार हो और पर्यावरण सुदृढ़ बने। संत कबीर नगर जनपद के महुली थाना अंतर्गत चौकी प्रभारी शनिचरा बाबू विवेकानंद तिवारी ने एक सराहनीय काम किया। चौकी क्षेत्र के महेश्वरपुर पुल पर बरसात के चलते अप्रोच में बहुत विशाल गड्ढा हो गया था, जिससे कभी भी राहगीर हादसे का शिकार हो सकते थे। स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार विभाग से गड्ढा बनाने की मांग की, लेकिन अधिकारी एक न सुने। रविवार को उस रास्ते से गुजर रहे चौकी प्रभारी ने गड्ढे को देखा तो तत्काल ट्रैक्टर मंगाकर मिट्टी गिरवाई और खुद तब तक खड़े रहे जब तक वह गड्ढे भर नहीं गए। पुलिस की इस कार्यशैली से उनकी प्रशंसा हो रही है। सौरभ तिवारी, संत कबीर नगर। विधायक प्रतिनिधि ने उच्च स्थान पाने वाले बच्चों को किया सम्मानित। देवी कन्या इंटर कॉलेज हैसर बाजार में सोमवार को हाईस्कूल इंटर में उच्च स्थान पाने वाले छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि नरेंद्र पांडे रहे। उन्होंने बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक निदेशक दिनेश राय ने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। इस दौरान श्रीमती विधायवती देवी कन्या इंटर कॉलेज बोर्ड परीक्षा में विद्यालय टॉप किए हुए बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। साथ ही में पीएन सिंह जी ने मंडल अध्यक्ष हैंसर विधायक के संरक्षक दिनेश चंद्र राय जी के विद्यालय के सभी अध्यापक एवं विद्यालय के मेधावी बच्चे राम चतुर्वेदी, 81% साधना, अंजू चांदी, मोनिका कविता इत्यादि बच्चे रही। श्रीमती विद्यावती देवी इंटर कॉलेज पैच कन्या इंटर कॉलेज बोर्ड परीक्षा में विद्यालय टॉप किए हुए बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। साथ ही में पीएन सिंह जी, मंडल अध्यक्ष हैसर विधायक के संरक्षक दिनेश चंद्र राय जी, विद्यालय के सभी अध्यापक एवं विद्यालय के मेधावी बच्चे रामा चतुर्वेदी, 81%। मैं दिनेश चंद्र राय, संरक्षक, विद्यावती देवी कन्या इंटर कॉलेज हैसर बाजार, बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि श्री नरेंद्र पांडे जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री पीएन सिंह जी, विद्यालय के अध्यापक प्रवीण राजकुमार, बीडी मिश्रा, दिलीप कुमार, उमा पांडे, नंदिनी उपस्थित रहे। विद्यालय की टॉप क्लास की छात्रा रमा चतुर्वेदी, जो 81% नंबर पाई है, उसके अलावा खुशी, जाह्नवी, नंदिनी, रमा, सभी लड़कियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें आगे और अच्छा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आजादी के बाद से लेकर अब तक एक अदद पंचायत भवन के लिए तरस रहे बखौली ब्लॉक क्षेत्र के पचपोखरी ग्राम पंचायत को बीजेपी के सदर विधायक जय चौबे ने पंचायत भवन की सौगात दी है, जिसका आज स्वयं सदर विधायक ने शिलान्यास किया। लगभग 20 लाख की लागत से बनने जा रहे पंचायत भवन का शिलान्यास करने पहुंचे सदर बीजेपी विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे का ग्राम प्रधान गोरीलाल यादव, पंचायत सचिव सतीश चंद्र मौर्य और हिंदू वाहिनी नेता छेदी यादव के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद सदर विधायक जय चौबे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंचायत भवन की नींव रखी। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन कर सदर विधायक जय चौबे ने कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी पूरा प्रदेश का चहुमुखी विकास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पचपोखरी ग्राम पंचायत जिले की एक बड़ी पंचायत के रूप में जानी जाती है, जिसके विकास के क्रम में पचपोखरी ग्राम पंचायत को पंचायत भवन की सौगात दी गई। इस दौरान ग्राम प्रधान गोरीलाल यादव और हिंदू वाहिनी नेता छेदी
लाल यादव ने सदर विधायक जय चौबे की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि विधायक जी की ही देन है जो इस ग्राम पंचायत को पंचायत भवन की सौगात मिली। हिंदू युवा वाहिनी नेता छेदी यादव ने बताया कि आजादी के बाद से ही यह ग्राम पंचायत एक अदद पंचायत भवन के लिए तरस रहा था, जो आज विधायक जी के प्रयास से बनने जा रहा है। गोरखपुर से जनवा बोकटा तिराहे पर अंतरित होकर स्कॉर्पियो मिठाई के दुकान में घुस गई, जहां पर बाल बाल बचे ग्राहक और दुकानदार, जिसमें दो लोग घायल हो गए। बताते चले चंदन यादव पुत्र स्वर्गीय राम रक्षा यादव मकरहट पाली के निवासी हैं। इनकी मिठाई की दुकान बोकटा तिराहे पर है। सोमवार को तेज रफ्तार से अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर UP56W9282 दुकान में घुस गई, जिससे दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हो गया और दो लोग घायल हो गए। मौके पर गाड़ी चौकी प्रभारी धर्मवीर सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। उस समय बोकटा से लेकर सहजनमत तक फोरलेन पर भीषण आग लग गई, भीषण जाम लग गया। जाम को धीरे धीरे चौकी प्रभारी ने कम करवाया और गाड़ी को कब्जे में लिया है। अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दक्षिण विपुल श्रीवास्तव द्वारा थाना हरपुर बुधहट का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर SP साउथ ने थाना परिसर के आसपास साफ सफाई व्यवस्था के साथ शस्त्रों के रखरखाव की बारीकी से मुआयना करते हुए मालखाने को भी देखा। इसके अलावा उन्होंने कोविड केयर हेल्प डेस्क को देखा और वहां तैनात कर्मचारियों से हेल्प डेस्क की कार्य प्रणाली की जानकारी ली है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में थाना प्रभारी की मौजूदगी में संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उसे जल्द सही करने को कहा है। मौके पर मौजूद थानाध्यक्ष जटा शंकर कुमार, उप निरीक्षक प्रहलाद गौड़, उप निरीक्षक मनीष यादव, उप निरीक्षक विनोद यादव, कांस्टेबल अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल धीरेन्द्र मौर्य, हेड कांस्टेबल लाल बच्चन यादव एवं थाने के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।